स्टूडेंट्स, आपका अपना परिवार मस्त क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियोस में मैं आप सबको कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सोल्यूशन करूंगा और बताऊंगा कि कैसे हम क्या कर रहे हैं और प्रायिकताओं को कैसे सोल्यूशन किया जाता है। उससे शुरू करने से पहले आपके लिए दो लाइन है कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे के सिर सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। नीचे के सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो देखिए, आज के इस वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 10 क्वेश्चंस का पीछे बता चुका हूँ। 11 कह रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है ना। देखिए आकृति में इसकी क्या प्रायिकता कि निकाली गई जो है मछली जो है ना नर है। तो देखिए इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे 11 क्वेश्चन का, बहुत ईजी भी मैं बताऊँगा ना। नर मछली कै गो है, तो नर मछली जो है ना आपका वो 5 है और मादा मछली कितना है, मादा मछली 8 है। कुल कितने हो जाएंगे, 8 5 13, समझ में आ रहा है 13। अब कह रहा है प्रायिकता ऑफ नर मछली, प्रायिकता नर मछली का, तो नर मछली जो है 5 गो है, कितना में से 13 गो में, तो 5/13 ये आपका आंसर होगा। प्रायिकता बहुत इजी होता है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कहता है संजोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को दर्शाता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो यानी 50-50 चांस वाले हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा आपको बताना है। पहला 8 को करेगा, बी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक सम संख्या करेगा, और तीसरा कहता है 2 से बड़ी करेगा, और चौथा कहता है 9 से छोटी करेगा। तो आइए इसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। प्रायिकता ऑफ 8 को करेगा ना, पहला क्या है 8 को करेगा। तो देखिए आपको कैसे इसका सोल्यूशन करना है मैं बताता हूँ। टोटल कितनी संख्या है 8 को ना, तो 8 नीचे लिख दीजिए, 8 लाना है ना, तो 8 इसमें कितना है 1 बार आया है, तो 1/8 ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। ये पहला बन गया 12 का। अब देखिए दूसरा सवाल, एक विषम संख्या, विषम लाना है, तो सबसे पहले हम लोग नीचे कुल लिख लेंगे, कुल कितना है 8 को। अब विषम चूज करना है, 3 1 3 5 7 कै गो है, 1 2 3 4 चार हो गया, 4/8 इसको आप सोल्यूशन करेंगे तो 1/2 ये भी आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन कहता है 2 से बड़ी, आप नीचे 8 लिख ले, अब 2 से बड़ी देखिए 2 हो गया बड़ी, 1 2 3 4 5 6 तो 6/8। अब जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो 2 3 6 3/4 ये आपका आंसर होगा, क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का चौथा लिखा है 9 से छोटी, प्रायिकता ऑफ 9 से छोटी, तो देखिए 9 से छोटी नीचे तो कुल लिखना ही है, अब 9 से छोटी गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 से छोटी कितना है 8 संख्या है, तो 8/8 कट के आ गया 1 आंसर। तो मैंने आपके इस वीडियो में क्वेश्चन 11 और 12 आपके एक्सरसाइज 15.1 का सोल्यूशन करके आसान विधि से बताया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देंगे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13-14 का सोल्यूशन करूँगा।